दोस्तों, आज हम जानेंगे माइंड की पावर बढ़ाने का तीसरा विधि। दोस्तों, फर्स्ट हम जाने थे कैसे अवेयरनेस बढ़ाने से हमारा माइंड पावर बढ़ता है। दूसरी विधि जानते थे कैसे डाइट लाने से हमारा लाइफ में माइंड पावर बढ़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम आज जानेंगे तीसरा मतलब सी फॉर क्रिएटिविटी अर्थात नवीनता। लाइफ में दोस्तों हर वक्त कुछ नया करना है, नवीनता लाना है। लाइफ में जब तक हम कुछ नवीनता नहीं लाते हैं, लाइफ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो दोस्तों, लाइफ में नवीनता लाना है, हर चीज़ हमें नवीनता लाना है, हर कार्य हमें नवीनता लाना है, तभी हमारा माइंड पावर इंक्रीज होगा। माइंड पावर बहुत जल्दी बढ़ेगा। कुछ नया करो, लाइफ में कुछ नया करना है हमें, कुछ नया करो, जैसे कि पेंटिंग, कुछ लिखना, हर दिन के नई नई जगह में जाना। इससे करने से हमारा माइंड पावर बढ़ता है, माइंड को पावरफुल मैसेज मिलता है। माइंड हर वक्त कोई नई चीज़ ढूंढती है। दोस्तों, माइंड पावर बढ़ाना है अगर हम चाहते हैं तो हमारा तीसरा विधि जो कि है क्रिएटिविटी, नवीनता अर्थात न्यू, इसे लाना है हमारा जीवन में। कोई ऐसी जगह पर जाए जो कभी नहीं गया है, कोई ऐसी जगह पर जाए वो आपका सपना होगा मगर आप नहीं जा पा रहे होगे, उसी जगह पर जाओ, कुछ नई रास्ता ढूंढो, कुछ नई किताबें, कुछ माइंड में नई न्यूज भर दो। तो हर सोच में, हर कार्यों में आपको लाइफ में नवीनता लाना है। नवीनता लाने से आपका माइंड बहुत 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 पावरफुल हो जाएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, नवीनता लाना है आपको माइंड में। दोस्तों, आप कहाँ भी देख रहे होंगे, जैसा कि लोग आते हैं हॉस्पिटल में और मरीज को एक फूल देकर चला जाते हैं, वो क्यों देते हैं? इसीलिए वो देते हैं क्योंकि कुछ नवीनता, कुछ लाइफ में नई करना है। नई करने से ही हमारा माइंड पावर को बढ़ाना है। कोई वृद्धाश्रम जाओ, हमें उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी हम जाना है क्योंकि देने से खुशियाँ है, लाइफ देने से ही खुशियाँ है। जब तक हम कुछ गिफ्ट और कुछ चीज़ हम किसी को देंगे तो हमें फीलिंग्स बहुत बहुत अच्छा आएगा। तो हर चीज़ देने से ही खुशियाँ आते हैं। जब तक हम लाइफ में नवीनता नहीं लाएंगे, वही पुराना चीज़ पर रहेंगे, तब तक हम खुशी पे नहीं रह पाएंगे, माइंड का शक्ति हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको माइंड को पावरफुल बनाना है, आप बहुत शक्तिशाली माइंड को बनाना है। हर परिस्थिति के डील आप माइंड से करना चाहेंगे, आप माइंड से करना होगा। जब माइंड आपका ताकतवर होगा तो आप कहाँ से भी नहीं हारेंगे, आप सब पे जीत जाएंगे। तो दोस्तों, माइंड का पावर आपको बढ़ाना होगा, इसीलिए नवीनता। तो सी फॉर नवीनता, नवीनता लाइफ पर आना जरूरी है। दोस्तों, हम रोज घर में उसी तरह व्यवहार करते हैं और दोस्त पति पत्नी के साथ और रिलेशन में उस तरह ही हम रोज व्यवहार करते हैं। सो दोस्तों, हमें रिलेशन से अच्छा करने के लिए नवीनता लाना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए,
रिलेशन के अच्छे से बात करना चाहिए। तो नवीनता, नवीनता लाइफ में लाने हमारे लाइफ में पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम जाने कि नवीनता लाने से हमारा लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और नवीनता हम लाइफ में ला ले तो हमारा माइंड पावर इंक्रीज हो जाएगा, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये छोटी सी बात आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक देना, और आप क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट में लिखना। तो दोस्तों रहती हूँ फिर।